हेलो फ्रेंड्स, मधुज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ हरा मिर्च का चटपटा अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे हम कोई भी अचार बनाते हैं दो चार दिन लग ही जाता है, लेकिन ये फटाफट बन के तैयार हो जाता है। बहुत लोग खाना खाते समय हरा मिर्च खाना पसंद करते हैं, इस तरह बना के खाएंगे तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपके साथ दही मिर्ची की रेसिपी शेयर की थी, ये भी खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। चलिए अब हरा मिर्च का अचार बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने 150 ग्राम हरा मिर्च लिया है, मिर्च को धो लिया है। धोने के बाद मैंने मिर्च को अच्छी तरह सूखा लिया है, तो इसका पानी सूख गया। उसके बाद मैंने इसका डंठल निकाल दिया है। अब इसे बीच से कट कर लेंगे, दो पार्ट नहीं करेंगे, पीछे से इसका पोर्शन जुड़ा हुआ रहना चाहिए। इसी तरह से सारे मिर्चियों को काट के तैयार कर लेंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई रखा है, इसमें मैं 5-6 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल के गर्म होते ही इसमें मिर्च डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम लो पर है, मिर्च को मीडियम लो पर ही भूने। इससे क्या होगा कि मिर्ची अच्छी तरह भुनेगा और ये कढ़ाई में से उड़ेगा भी नहीं। जैसे ही मिर्ची का कलर चेंज हो जाए इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाले में मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच मैं इसमें कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, इससे कलर अच्छा आएगा। आपका मिर्च अगर तीखा नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ राई डाला है, 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे। 1/2 चम्मच में भुना और पिसा हुआ जीरा डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे, इससे इसमें खट्टा स्वाद आएगा। आप इसकी जगह पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, तो अचार है तो थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही पड़ता है, तो मैंने 1 चम्मच से ज़्यादा डाला है। इसे मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर ही इसे थोड़ी देर तक भुनेंगे कि मसाले अच्छी तरह भुन जाएँ और ये मिर्ची में अच्छी तरह से कोट हो जाएँ। बहुत टाइम नहीं लगेगा। मैंने हल्दी पाउडर नहीं डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल रही हूँ कि ये भी मसाले के साथ भुन जाए, इसे अचार में कलर अच्छा आएगा। अब बिना हल्दी पाउडर का भी बना सकते हैं, तो मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और चटपटा हमारा ये मिर्ची का अचार तैयार होगा। जिन्हें मिर्च खाना पसंद है उन्हें ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, मसाला भुन चुका है। अब इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें 1/2 नींबू का रस डाल रही हूँ। अगर आपको खट्टा थोड़ा सा ज़्यादा पसंद हो तो आप 1 नींबू का रस डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे, तो हमारा ये चटपटा मसाला मिर्ची का अचार बन के तैयार है। देखिए कलर बहुत अच्छा आया है। मुझे उम्मीद है आप सबको हमारी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। हमारी मिर्च की अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।